सर नमस्कार सर, सबसे पहले नमस्कार सर। मैंने सर आपका ऑनलाइन प्रोग्राम लिया, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसे ही देख के मेरा स्टॉक मार्केट में आने का मन हुआ। पहले तो मैंने जनरली स्टॉक मार्केट सर्च करता था, शेयर मार्केट क्या होता है मैं जानता ही नहीं था कुछ भी। अच्छा, वैसे ही मैंने कहा होता क्या आखिर, इतना कुछ होता है इसमें, रोज न्यूज आती है। अच्छा, कि कभी इतने निवेशकों का इतना लाख डूबा, इतना फायदा हुआ। अच्छा। ये डूबने वाली खबरें देखते हो आप हैं? तो सर मुझे लोगों के पैसे डूबते आपको खुशी होती है? तो मैंने नहीं नहीं सर, ऐसे ही मतलब एक इंटरेस्ट था तो देखता था। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करे तो आप एक दिन मुझे मिल गई यूट्यूब पे। उसके बाद सर आपकी जो मतलब साइकोलॉजी या जो भी है वो मुझे इतना पसंद आई कि मैं आप में यानी घुसने लगा। फिर मैंने ढूंढने लगा, मैंने कहा सर मैं कुछ है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना डीमैट अकाउंट भी खोला। तो ज़्यादा वो नहीं, ज़्यादा लंबा समय नहीं सर, 3 महीने से ज़्यादा हुआ है मुझे, 3 महीने लगे। ओके, और तभी मैं घुसा, उससे पहले ही मैंने आपका ऑनलाइन प्रोग्राम लिया था। चलो अच्छा है। अब क्या क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपसे मिल लिया, बहुत थैंक यू सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरह मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का हाल है और इनकी बैलेंस शीट खराब हो रही है, तो कहीं अंदर इकोनॉमी में ऐसा तो नहीं कि 2002-03 या कुछ 2008 जैसा पकड़ा हो, इसका कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? ये जो जो क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में, टीवी वालों ने ठूसे हैं। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ कहीं हद तक कुछ सही है, कुछ कहीं हद तक मतलब कुछ हद तक सही है। अगर आप ये कह रहे हो कहीं हद तक, तो मैं ये मान लूँ कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको पता है। 2002 में थे आप? नहीं, 2004-05 में मैं मार्केट में आया हूँ। अच्छा, 4-5 से 2009 से ब्रोकिंग कर रहा हूँ मैं। 2009 से ब्रोकिंग कर रहे हो, तो अब आप खुद ट्रेडिंग करते हो या आप दूसरों को देखते हो खाली? नहीं नहीं, खुद भी करते हैं और क्लाइंट्स भी हैं हमारे। क्लाइंट्स भी हैं, तो 2009 वाले क्लाइंट आज तक जिंदा हैं? काफ़ी क्लाइंट हैं हमारे पास जिंदा। जी, जो जो हमारी सलाह मानते हैं वो अभी भी हैं। अच्छा, जो सलाह मानते हैं वो अभी भी हैं। वैसे कई तो निकल गए होंगे। हाँ, बहुत सारे। तो अब आप कह रहे हो मिड कैप स्मॉल कैप में जो हो रहा है कहीं वो पुरानी कहानी नहीं दोहराई जा रही है। अब सबसे पहले पुरानी कहानी की बात कर लेते हैं। पुरानी कहानी में क्या हुआ एंड में रिजल्ट? अब 2002 की अगर बात करते हो, उसके बाद हुआ क्या? फिर अप हुआ, मार्केट ग्रो हुआ, चला वही मिड कैप जो गिरे थे वो चल पड़े। तो क्या ये जो कंपनियों का हाल है ये जीएसटी और नोटबंदी का भी असर है? सर ऐसा होता है, फिर अगेन वही बात है, बहाना बनता है, चीज़ें हैं। 2002-03 के अंदर जो हो रहा था वो अलग सिचुएशन थी, इंडिया उस समय अलग फेज़ में था, आज अलग फेज़ में है। हर एक की ना ज़िंदगी की साइकिल होती है। बच्चा जब पैदा होता है उसके लिए सबसे पहला हिस्सा आता है दिक्कत का, पहले 1 साल से लेकर 2 से 2.5 साल तक, जब उसके दांत निकल रहे होते हैं। पता है सबको, बच्चे हैं किसी के छोटे छोटे, जब उसके दांत निकल रहे होते हैं ना सबसे ज़्यादा उसके सामने आता है दिक्कत का समय वो। उसके बाद उसके पास जो आता है दिक्कत का समय बच्चे के लिए, जो वो जब स्कूल जाता है कि पढ़ाई का बोझ आ गया मेरे सर पर। उसके बाद बच्चे के लिए जो दिक्कत का समय आता है जब वो जवान होता है। उसके बाद उसकी दिक्कत का समय आता है जब उसकी ऐसी एज में आता है जब उसकी स्कूलिंग ख़त्म होती है, उसे अपनी जॉब में जाना होता है। फिर दिक्कत का समय आता है जब उसकी एक्चुअल में शादी हो जाती है, तो वो शादी के बाद फिर उसकी मानसिक स्थितियां बदल जाती हैं, उसके सामने वो प्रॉब्लम आती है। फिर शादी के बाद में उसके बाद एक फेज़ हो रहा था जब उसके बच्चे होते हैं, उस वो उसके लिए दिक्कत वाला समय। ऐसे हमारी लाइफ की तरह मार्केट की भी लाइफ है। इंडिया आज से 40-50 साल पहले से चलना शुरू हुआ। 91 का टाइम भी हमने देखा जब यहाँ इतनी बुरी हालत थी कि इनके पास में पैसे चुकाने के लिए नहीं थे और अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था ना वो वक्त। उसके बाद में एक फेज़ आया जब इन्होंने सब रिफॉर्म करे, ये करा वो करा, फिर ठीक चलना शुरू हुआ। फिर 2008-09 के अंदर पूरा ग्लोबल क्राइसिस हुआ, उसके बीच में हम ठीक चलते रहे। बीच में फिर इनकी सरकारें थी, अपना ये अपना NDA की भी थी, UPA की सरकार थी, काम धाम नहीं हुआ कुछ, फिर करप्शन हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। अब फेज़ कौन सा है? ये जो फेज़ है कौन सा है? ये ऐसे लाइफ की तरह ये फेज़ है। ये फेज़ कौन सा है? बच्चा पैदा हो गया, दांत निकलने वाली चीज़ पूरी हो गई,
उसको जो उसकी अपना टीन एज थी वो निकल रही है धीरे धीरे, अब ये मेच्योरनेस की तरफ जा रहा है, अब ये बच्चा कह रहा है गलत काम नहीं चलेगा, जो सही काम करते हैं वो चलेगा, जो कंपनी धोखा करेगी उसको बंद कर देंगे, बैंकरप्सी लॉ आ गया। आज से पहले कंपनियां गलत करके भाग जाती थी, कोयला घोटाला हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया, 4G हो गया, उन्हीं चीज़ों से सब सीखा हमारे देश ने, और ऐसे ऐसे अब कानून आने शुरू हुए। आपको पता है जो बैंकरप्सी लॉ है वो अकेला ऐसा कानून है, अकेली ऐसी चीज़ है हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी स्टॉक मार्केट को हेल्प करती है, जो हमारी मार्केट को कम से कम दुगना करने का दम रखती है, अकेला कानून है वो, ऐसे सिर्फ अकेला कानून, मतलब मार्केट उसी कानून के कारण यहां से डबल हो सकती है, क्योंकि अब कोई भी कंपनी पैसा खाने से पहले 50 बार सोचेगी कि कहीं मेरे को कंपनी मेरे हाथ से छिन ना जाए। पहले तो कोई ऐसी चीज थी नहीं, ये मेच्योरनेस का साइन है, मेच्योर हो रहे हैं हम कहीं ना कहीं, और फेज आ रहे हैं, पहले वाला फेज भी था वो निकल गया, बीच में फेज आया वो निकल गया, फिर फेज आया वो निकल गया, ये भी एक फेज है, लेकिन ये जो फेज निकलेंगे उससे हम बेहतर होते जाएंगे। तो मिड कैप स्मॉल कैप का क्वेश्चन पे आ जाता हूं आपके, कि स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है कि वो कंपनियां हैं जो कभी लार्ज कैप बन सकती हैं, जो आज लार्ज कैप है कभी स्मॉल कैप थे, वो भी मिड कैप थे, कभी थे ना लार्ज कैप बन गए, जो आयशर मोटर पहले छोटा था बहुत, अब बहुत बड़ा हो गया। लेकिन उस समय होता क्या है, जो छोटी कंपनियां हैं ना उनमें दिक्कत क्या होती है कि जो धंधे होते हैं वो टाइम के साथ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते। मान लो ये सज्जन है हमारे सामने, इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि मेरा काम 20% रह गया, अब मान लो इनका स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्टेड होता और ये हिम्मत हार जाते और आपने इन पे पैसा लगाया हुआ है, तो ये तो गए थे बाहर, तो ये चले जाते। एक भाई इनके साथ और है, वो कहता नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक करूंगा काम, मैं चलता रहूंगा। वो चलता रहा और चलते चलते हो गया, पहुंच गया, और उस समय क्या हुआ, साइकिल भी ठीक हो गई सारी, तो वो उसको ऊपर ले गई, वो आदमी लार्ज कैप बन जाएगा कल को। तो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हीं लोगों में पोटेंशियल है लार्ज कैप बनने की और उन्हीं लोगों में पोटेंशियल है डूबने की। पहचान करनी है हमें कि डूबने वाला कौन सा है और लार्ज कैप वाला कौन सा है, जिसमें इतनी कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी कि अगली साइकिल तक टिका रहे वो बन जाएगा। छोटे शेयरों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है छटाई की होती है कि हमें किस पे दाव लगाना है, और हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी भगवान ने डाली है, हमारा हाथ हमेशा गलत चीज पे पड़ता है, ये वरदान है हमारे को। स्टॉक मार्केट के जितने ट्रेडर इन्वेस्टर हैं उनको वरदान मिला हुआ है कि दो चीज तुम्हारे सामने होंगी बच्चा, तुम्हारा हाथ हमेशा गलत चीज पे पड़ेगा, सही पे कभी नहीं पड़ेगा, ये वरदान मिला हुआ है हमें। उस वरदान के कारण ही हम गलत जगह फंसते हैं, इसीलिए जो शेयर हमने लिया होता है 30% के सर्किट नीचे के उसी पे लगते हैं, और जो बेचा होता है वो ऊपर खड़ा रहता है। ये हमारे साथ ही होता है अक्सर, और तो किसी के साथ होता नहीं है। जो हमने लिया होता है वो कभी चलता नहीं, जो हमने बेचा होता है वो हमेशा रुकता ही नहीं। एक जो हमारे पास है हम उसके ऊपर आने का इंतजार करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसके नीचे आने का इंतजार करते हैं कि नीचे आएगा तो मैं लूंगा, ये ऊपर आएगा तो बेचूंगा, ना ये आता है और ना वो आता है, यही किस्मत है हमारी। पहले तो हमें इन चीजों को सुधारना होगा, दूसरा हमें साइकिल की समझ होनी चाहिए, और मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो कुछ नहीं है, वो कंपनी का फेज है, यही कंपनी कल को बंद हो सकती है, यही कंपनी कल को बड़ी बन सकती है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो कंपनियां साइज में बड़ी होती हैं वो एडवर्स कंडीशन को झेल जाती हैं, और जो साइज में छोटी होती हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी कंपनी को चुने शुरू में जो कंपनी एक्चुअल में अपने को प्रूव कर चुकी है। कहते हैं ना जीतते हुए घोड़े पे दाव लगाओ, पहले उसको प्रूफ करने दो अपने आप को, पहले उसको साबित करने दो अपने आप को। मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था बाजार शास्त्र में, शायद आपको अगर याद हो, कि सलमान खान को जिसने 5 लाख रुपए देकर पहली पिक्चर साइन की मैंने प्यार किया उसने ज़्यादा कमाया कि उसको जिसने 50 करोड़ देके बाद में पिक्चर साइन की उसने ज़्यादा कमाया। सलमान खान, जब सलमान खान साबित हो गया उसके बाद जिसने दाव लगाया उसने ज़्यादा कमाया, पहले जिसने लगाया वो जुआ था एक्चुअली।
तो सलमान खान ढूंढने की कोशिश मत करो, जो सलमान खान है बन गया उस पर दाव लगा दो। हमारे अंदर दिक्कत क्या, हम कहते हैं हम ये पकड़ेंगे कॉकरोच और इसको सलमान खान बनाएंगे। नहीं होता सर, क्योंकि बीच में कई विवेक मिश्रा निकलेंगे, कई और निकल जाएंगे कुछ और। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो मैं 20 ऐसे छोटे मोटे एक्टर लेके एक पिक्चर बना दूं और वो पिक्चर 50 करोड़ कमाए। एक बड़ा एक्टर लो वो कमा जाएगा, क्योंकि वो साबित कर चुका है कि वो उसकी पिक्चर 200 करोड़ कमाती है। हम साबित किए हुए आदमी को छोड़ के उस कॉकरोच के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं ये कभी लार्ज कैप बनेगा तो मेरी किस्मत चमकेगी। हम जुआरी हैं, समझ पता है, हम जुआरी हैं आज से। हमें अपने को सेटिस्फाइड करना है, अपनी ईगो को। आज जिस आदमी ने 5 लाख रुपए सलमान खान को दिए थे उस समय, वो आज आके ये कितना भी चिल्ला ले कि इसको मैंने ढूंढा है, पैसे उसने नहीं कमाए, पैसे कमाए हैं बाद वाले ने। वो खाली ईगो सेटिस्फाइड कर सकता है। आज हम भी ईगो सेटिस्फाइड करते हैं कि देखो ये शेयर मैंने लिया था, आयशर मोटर मैंने उठाया था 200 रुपए में, ये मेरे पास था शेयर। उससे पूछो आज है, नहीं। कितने में घाटा? 300 में। आज है 30,000 का। जिसने 15,000 का लिया ना, वो ज्यादा कमाएगा, 300 वाला नहीं कमाएगा। ये नियम है। इसलिए स्मॉल कैप के अंदर जाना कोई बुरी बात नहीं है अगर आपकी नॉलेज है, छोटे स्टॉक में जाना कोई बुरी बात नहीं अगर आपकी नॉलेज है, आप चार्ट पढ़ना जानते हो या फंडामेंटल समझते हो, कोई बुरी बात नहीं, करो। अपना रिस्क रखो सामने, देखो और ये पहचानो। फेज होते हैं अलग अलग, वो फेज निकल गया, ये फेज आया, ये फेज भी निकल जाएगा, अगला आएगा। लेकिन कोशिश ये करो जो साबित कर चुका है अपने आप को कि ये सलमान खान है, उस पे दाव लगाना हमेशा अच्छा होता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कहावत है ना, वो हमेशा अच्छा होता है जो साबित कर चुका है अपने आप को कि हाँ वाकई में ये घोड़ा तेज दौड़ने वाला है। लेकिन वो तेज दौड़ने वाला घोड़ा हमेशा महंगा मिलता है, हम हमेशा सस्ते के चक्कर में रहते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। क्योंकि विवेक मुश्रान तो मिल जाएगा 10 लाख में, और सलमान खान जो है अपना मांग गया 10 करोड़। हम कहते हैं उसमें ऐसी क्या बात है, हम तो विवेक मुश्रान से बना लेंगे पिक्चर, बना लो, वो चलेगी नहीं एक हफ्ता। आपको पिक्चर अच्छी बनानी है ना, हिट होने वाली, तो वो बनाओ।